आपके पास ये कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म दिया गया है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि जो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी कर्व के, अगर हम ये कर्व मान लेते हैं और आपका कोई पॉइंट पी यहाँ पे पिकअप कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई से है, तो ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स टी पैरामीटर के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। जैसे जैसे टी आप चेंज करोगे ये कर्व पे ये पॉइंट का पोजीशन बदलेगा, या यूं कहें कि एक लोकस आएगा जो कर्व को बताएगा, ठीक है। तो खैर हमें तो डिफरेंशिएशन करना है, तो सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर वन एंड दैट विल बी द इक्वेशन नंबर टू। अब x चूंकि t का फंक्शन है, अगर x t का फंक्शन है तो हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ 280 स्क्वायर, दैट इज 2a कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a और t स्क्वायर का nx n माइनस 1 से लगा लेंगे तो हो जाएगा 2t 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 को हम क्या कहेंगे 1 कहेंगे, ठीक है, और 1 सिंपली आप लिखते नहीं हो, तो ये आ गया आपका 480 दैट इज योर dx by dt। Now y भी किसका फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो y को भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 दे देंगे, 1 2 पहले दे चुके हैं, 80 to the power 4, तो d by dt of y that is equals to d by dt of 80 to the power 4, a बाहर आ जाएगा d by dt t to the power 4, that comes out to be a 4t 4 माइनस 1 और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज योर डीवाई बाई डी टी, बट वी हैव टू फाइंड आउट द डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये रिलेशन नंबर 4 हो गया आपका। तो क्या लिखेंगे, सिंस डीवाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डीवाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी, दैट मीन्स डीवाई बाई डी टी आपका कितना आया है 4at³, तो 4at³ और dx by dt आपको कितना आया था 480 आया था, तो 4a कैंसिल हो गया, एक t से t कैंसिल हुआ, t स्क्वायर आ गया, तो आपका dy by dx जो है that comes out to be t स्क्वायर, ठीक है, that is your answer।